नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। स्वच्छता के बाद मदद में भी नंबर वन इंदौर। शहर में संस्था दान पात्र कर रही है मदद, जरूरतमंदों तक पहुंचा रही है जरूरी सामान। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता का बीजेपी पर हमला, कार्य समिति की सूची पर उठाए सवाल, संवैधानिक व्यवस्था को किया शर्मसार। और इंदौर में लगातार बढ़ रहे हैं धोखाधड़ी के मामले, बैंक के साथ हुई करोड़ों की धोखाधड़ी, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। इंदौर सिर्फ स्वच्छता में नंबर वन ही नहीं है, बल्कि शहरवासी मदद में भी नंबर वन है। दरअसल शहर में संस्था दान पात्र से जुड़े सदस्य घरों में उपयोग न आने वाली चीजों को इकट्ठा करके उपयोग लायक बनाते हैं और जरूरतमंदों की मदद करती है। शहर में भले ही कोरोना के हालात सामान्य नजर आ रहे हों, लेकिन अब भी बेरोजगारी के चलते न जाने ऐसे कितने परिवार हैं जो विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। ऐसे में संस्था दान पात्र के वॉलंटियर्स गरीबों और जरूरतमंदों के मसीहा बने हुए हैं। टीम के सदस्य रोजाना असहाय और जरूरतमंद परिवारों तक लगातार राशन, कपड़े, मास्क, सैनिटाइजर और अन्य सामान पहुंचाकर उनकी मदद कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी पर धावा बोला। उन्होंने कहा कि कार्य समिति का गठन करने वाली भाजपा ने जातियों में बांटकर संवैधानिक व्यवस्था को शर्मसार कर दिया। भूपेंद्र गुप्ता ने पूछा कि क्या अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को उपजातियों में बांटकर भाजपा माइक्रो स्तर पर समाज को बांटने का राजनीतिक षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने ये भी पूछा कि इस कार्य समिति से उमा भारती का नाम आखिर गायब क्यों है? क्या शराबबंदी की मांग करने की कीमत उमा भारती को चुकानी पड़ रही है, या फिर उन्हें स्थायी तौर पर प्रदेश निकाला दे दिया गया है? आइए आपको सुनाते हैं भूपेंद्र गुप्ता ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा। बुलेट ट्रेन की बातें करती थी भाजपा और छुक छुक गाड़ी की तरह सवा साल में उन्होंने अपनी कार्य समिति बनाई, वो भी जातियों को संबोधित करते हुए। ये जो है ये देश में जातिवाद की फैलाने में कितनी आगे भाजपा, इसका प्रमाण है। और इसके बाद इसमें से जो है उमा भारती गायब हैं, वे प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वे प्रदेश की जो इस तरह के केंद्रीय मंत्री रही हैं, उनको गायब कर दिया। बुधवार को उज्जैन के प्रेस क्लब पर गांधीनगर के रहने वाले महेश अग्रवाल ने सूदखोरों से परेशान होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीड़ित ने बताया कि पूजा श्रीवास्तव नाम की एक महिला और उसका पति लगातार उसे परेशान कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पीड़ित महेश अग्रवाल की अगर माने तो पूजा से 3 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे, जिसके एवज में 8 चेक और 10 खाली स्टाम्प भी दिए थे, लेकिन अब ब्याज और मूल सहित 5 लाख देने पर भी चेक और स्टाम्प नहीं लौटाए जा रहे। इतना ही नहीं, 2 लाख की मांग और की जा रही है। पीड़ित ने बताया कि चिमनगंज पुलिस को इस पूरे मामले की शिकायत की थी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहा है। मेरे साथ पूजा श्रीवास्तव और पति रुपेश श्रीवास्तव गीता कॉलोनी में, उनसे 3 लाख रुपए मैंने 20 अक्टूबर 2020 को पैसे लिए थे। मैंने उसके वजह 5,30,000 रुपये बैंक स्टेटमेंट के द्वारा पैसे दे चुका हूँ नकद। मेरी गाड़ी बेच के मैंने पूरा पेमेंट वापस करा है। मेरे पास 7% का पैसा बोला गया, बाकी 10% से ऊपर मेरे से पैसा लिया गया और 15 से 20% पैसा ले लिया। उसके बाद भी मुझे 2 लाख रुपये की डिमांड कर रहे हैं। मेरे 10 कोरे चेक और 10 कोरे स्टाम्प उन्हीं के पास है। उनका कहना है कि ये अगर तू 2 लाख रुपये नहीं देता है तो ये अलग अलग व्यक्तियों से भर के मैं लगवाऊंगी, और अगर उसके बाद भी पैसा नहीं आता है तो तेरे घर वाले तुझे उठा के ले जाऊंगी और खेत पे काम करूंगी। पूजा श्रीवास्तव है, पूजा श्रीवास्तव गीता कॉलोनी रहती है, बड़े साहब के अंदर। उसके भाई की भी धमकी देती है। कई राजनेता उसके परिचित है, वो राजनेताओं के आए दिन मुझे धमकी देती है, मुझसे बोलती है पुलिस प्रशासन भी तेरा कुछ नहीं लिखागा रिपोर्ट, वो मेरा कुछ नहीं होगा, जहाँ पे तू जाएगा मेरा नाम सब जानते हैं, वो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया आज तक, ना तू कुछ कर। लॉकडाउन के बाद से लगातार साइबर धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। अब हाल ही में इंदौर के आज़ाद नगर थाना क्षेत्र से एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया। यहां मूसाखेड़ी में रहने वाले हितेश सिंह ने ओएलएक्स पर विज्ञापन दिया था कि उसे ओरो वाटर फिल्टर के पार्ट्स बेचने हैं। इस पर आरोपियों ने पार्ट्स खरीदने की मंशा जताई और एक क्यूआर कोड भेजा। इस क्यूआर कोड भेजकर बोला गया कि इसे स्कैन कर लीजिए जिससे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकें। लेकिन जैसे ही फरियादी ने स्कैन किया तो उसके ही अकाउंट से 50,500 रुपये उड़ा लिए गए। अब पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू की है।
एक लड़का स्टूडेंट है हितेश सिंह, पिता राजेंद्र सिंह, मूसा खड़े रहता है, ये पढ़ाई करता, लेकिन इसको कुछ आरओ की मशीन वगैरह थी तो उसको कुछ पुरानी बेचना थे, उसके पार्ट्स बेचना थे, उसने ओएलएक्स पर अपना विज्ञापन दिया था बेचने के लिए। तो एक अननोन नंबर से फ़ोन आया और उस फ़ोन वाले व्यक्ति ने बोला कि आप फोन पे पर QR कोड स्कैन कर दो तो मैं एडवांस आपको डाल दे रहा हूँ, मुझे खरीदना है। और इसने जैसे QR कोड एडवांस डलवाने के लिए स्कैन किया और इसके बाद इसको मालूम पड़ा नेक्स्ट डे कि इसके अकाउंट से 50,500 रुपये निकल गए। इसने कंप्लेंट की क्राइम ब्रांच में, जिसकी जांच हुई तो उसमें पता निकला कि जिसका फ़ोन था वो एक लैली करके नजरुल की लड़की लैली के नाम पे आया मोबाइल जो रजिस्टर्ड है, ये पश्चिम बंगाल में दिनाजपुर में है, पश्चिम बंगाल की है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में धोखाधड़ी के मामले हर रोज बढ़ रहे हैं। हाल ही में संयोगितागंज थाना क्षेत्र में बैंक धोखाधड़ी का मामला देखने को मिला। यहां संजीव कानून को, राहुल जैन और राजकुमार मीणा नाम के 3 आरोपियों ने फर्जी अकाउंट के जरिए बैंक को ही चूना लगाने की कोशिश कर डाली। तीनों आरोपियों ने मिलकर बैंक के साथ 1 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की है। अब इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने राहुल जैन और संजीव कानूनगो को गिरफ्तार कर लिया और अन्य आरोपी की तलाश अभी जारी है। सन 2019 में अपराध क्रमांक 262, 420, 467, 468, 471, 34 का कायम हुआ था, जिसमें कि राहुल जैन, संजीव कानूनगो और राजकुमार मीणा, इन लोगों ने आंध्र बैंक में फर्जी अकाउंट खोलने के बाद में गबन किया था। उसी परिप्रेक्ष्य में इनके ऊपर इनाम घोषित है, जिसमें कि राहुल जैन और संजीव कानून को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ भी की गई है प्रकरण में और उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। साथ ही राजकुमार मीणा, इसमें एक अन्य आरोपी फरार है, उस पर भी इनाम घोषित है, जल्दी इसको पुलिस गिरफ्तार करेगी। करीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए का आसपास इन लोगों ने धोखाधड़ी करी थी और फर्जी बैंक अकाउंट कोई फर्म बनाकर और उसमें खोला था आंध्रा बैंक में, जिसपे कार्रवाई की गई। इसमें राजकुमार मीणा जो उस समय आंध्रा बैंक का मैनेजर था वो शामिल है, उस प्रकरण भी नामजद है, 10,000 का इनाम भी घोषित है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर एंड्री न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।